हेलो एवरीवन, टुडे आई विल टेल यू हाउ वी कैन क्रिएट पिंग पोंग गेम इन स्क्रैच सॉफ्टवेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ओपन स्क्रैच सॉफ्टवेयर। नाउ इट्स ओपनिंग। सो यू कैन सी इन पिंग पोंग गेम वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीट दिस वन स्प्राइट। So we choose one stage, when background stage, तो we will click choose a backdrop option। हम यहाँ पे backdrop option पे double click करेंगे और यहाँ से एक stage, एक background choose करेंगे, neon tunnel। अब हम स्प्राइट लेंगे अपने गेम के लिए, तो भी क्लिक ऑन चूज अ स्प्राइट बटन, यहाँ पे डबल क्लिक करके पिंग पोंग गेम के लिए हमें एक बॉल की नीड होगी। हमने बॉल सिलेक्ट कर लिया है। हमें एक अनदर स्प्राइट की नीड होगी जिसको हम बोलेंगे पैडल स्प्राइट। वन मोर स्प्राइट हमें चाहिए यहाँ पे। जिसको हम बोलेंगे लाइन स्प्राइट। सो इन तीनों ऑब्जेक्ट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। इस पैडल को हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं और नेक्स्ट स्टेप हम कोडिंग देखेंगे। सबसे पहले हम बॉल स्प्राइट के लिए कोडिंग करेंगे। दीज आर कोडिंग ब्लॉक्स। यहाँ पे आपको कुछ कोड टाइप नहीं करना, सिंपली कोड को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्लिक ऑन इवेंट ऑप्शन। यहाँ से हम वेन फ्लैग पे क्लिक करके इस फ्लैग को लेके आएंगे। दिस इज योर स्टार्टिंग पार्ट। यहाँ से कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। जब भी हम कोड करेंगे तो यहाँ से हम इसमें जैसे ही फ्लैग पे क्लिक करेंगे तो हमारा कोड डन होना स्टार्ट कर देता है। सो नाउ वी चूज फॉरएवर ब्लॉक। फॉरएवर ब्लॉक हमने चूज कर लिया और इसके अंदर हम कुछ स्टेप्स डालते हैं। वी क्लिक ऑन मोशन ब्लॉक मूव 10 स्टेप। सो हम इसको चेक करते हैं कैसे मूव करता है। सो यू कैन ईजिली चेक योर स्प्राइट इज मूविंग। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बाउल को हमें वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाउंस कराना है। उसके लिए हमें एक नया कोड ब्लॉक सेट करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं इफ ऑन एज बाउंस। लेट्स सी, नाउ इट्स वर्किंग। आफ्टर दैट हम इसमें इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे। अभी ये एक ही डायरेक्शन में बॉल मूव हो रहा है तो उसके लिए हमें नेक्स्ट डायरेक्शन चूज करना होगा। हम डायरेक्शन के लिए पॉइंट इन डायरेक्शंस ब्लॉक यूज करेंगे। नाउ इट्स वर्किंग, नॉट वर्किंग। हम यहाँ से इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे, 45 डिग्री का एंगल सेट करते हैं। नाउ इट्स वर्किंग। नेक्स्ट हम पैडल के लिए कोडिंग करेंगे। पैडिंग पे बॉल टकराएगा तो जंप करेगा, उसके लिए हमें इसमें कोड सेट करना पड़ेगा। तो पैडल स्प्राइट पे डबल क्लिक किया हम, उसके बाद पैडल के लिए इसका डायरेक्शन सेट करेंगे। मींस जब भी हम पैडल पे कुछ लेफ्ट राइट टॉप डाउन की प्रेस करें तो पैडल मूव हो, तो सबसे पहले हम
यहाँ पे इसका राइट एरो सेट करेंगे। जैसे हमने राइट एरो सेट किया तो ये मूव होगा हमारा 10 स्टेप। देन सेम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये मूव होगा 10 स्टेप। नेक्स्ट हम इसी में When we press the left button, ये move होगा हमारा same 10 step but backward direction। Now backward direction के हमें minus 10 करना होगा। Now we check the sprite, it's working or not? वर्किंग। हम जैसे ही राइट एरो लेफ्ट एरो की प्रेस कर रहे हैं तो ये मूव हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट हम अपने गेम के लिए एक स्कोर बोर्ड सेट करेंगे जहां पे हमारा स्कोर शो होगा। तो स्कोर शो करने के लिए हमें वेरिएबल ब्लॉक में जाना होगा। वेरिएबल ब्लॉक से हमें एक वेरिएबल बनाना होगा स्कोर नाम से। तो यहाँ पर हम एक स्कोर नाम से वेरिएबल को बनाएंगे। नाउ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्कोर नाम का वेरिएबल हमारे सामने बन के आ गया है। अब इसका जो स्टार्टिंग वैल्यू होगा वो जीरो होगा। उसको सेट करने के लिए हमें यहाँ पे सेट करना होगा वेरिएबल में, हमने वेरिएबल बनाया स्कोर नाम से और इसका स्टार्टिंग वैल्यू जीरो है। नेक्स्ट हम कुछ कंडीशन सेट करेंगे। अगर हमारा बॉल पैडल पे टकराता है, हिट करता है, तो हमारा स्कोर बढ़ेगा। अगर पैडल को स्किप करता है, मींस रेड लाइन को टच करता है, तो हमारा गेम ओवर हो जाएगा। तो इसके लिए हमें कुछ कंडीशन देनी पड़ेंगी। कंट्रोल ब्लॉक से हम कुछ कंडीशन सेट करेंगे इफ। आफ्टर दैट हम इफ ब्लॉक के अंदर एक कंडीशन सेट करेंगे। कंडीशन क्या होगा, जब भी हमारा बॉल पैडल पर टच करेगा तो हमारा जो स्कोर होगा उसमें इंक्रीमेंट होगा, मींस हमारा स्कोर बढ़ेगा। तो उसके लिए हम सेंसिंग ब्लॉक पे जाते हैं। यहाँ से इफ टचिंग माउस पॉइंटर को चेंज करके यहाँ पैडल कर सेट करते हैं, इफ टचिंग पैडल। तो क्या होगा, हमारा स्कोर वेरिएबल पे क्लिक किया, वेरिएबल ब्लॉक पे क्लिक किया, चेंज माई वैल्यू by 1। जैसे ही वैल्यू by 1 होगा तो यहाँ पे हमें इसमें वेरिएबल सेट करना पड़ेगा। वेरिएबल हमारा स्कोर है और जब भी गेम स्टार्ट होगा और इस पे पैडल पे हमारा बॉल टच करेगा तो हम एक साउंड वहाँ पे सेट करेंगे जिसको हम बोलेंगे स्टार्ट साउंड। इस साउंड को यहाँ पे सेट कर दिया और इस सारे पूरे ब्लॉक को फॉरएवर ब्लॉक के अंदर हमने सेट कर दिया। लाइन ऑब्जेक्ट के लिए भी अपना एक कोड सेट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट हम लोग लाइन के लिए कोड करेंगे। जैसे ही हमारा बॉल लाइन पे टच होगा तो एक मैसेज शो होगा हमारे सामने, गेम इज़ ओवर। उसके लिए हमें कंट्रोल ब्लॉक पे जाएंगे, इफ़ कंडीशन वाला ब्लॉक को लेके आएंगे, उसके बाद सेंसिंग ब्लॉक पे जाएंगे। यहाँ से हम टच माउस वाला ब्लॉक को यहाँ सेट करेंगे और यहाँ पे कंडीशन सेट कर लेंगे। जैसे ही हमारा बॉल टच होता है लाइन पे तो एक साउंड हमें सुनाई देगा। यहाँ पे साउंड हम चेंज कर देंगे। जैसे ही टच होने के बाद एक मैसेज को डिस्प्ले कराएंगे। डिस्प्ले क्या होगा, डिस्प्ले होगा हमारा गेम ओवर। जैसे ही गेम ओवर होगा तो हमारा जो बॉल है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा जिसका पोजीशन हम सेट करेंगे यहाँ पे
जीरो जीरो, उसके बाद हमारा गेम में जितनी भी स्क्रिप्ट हैं वो सारी की सारी स्टॉप हो जाएंगी। तो इसके लिए हम स्टॉप ऑल स्क्रिप्ट को लेके आते हैं और यहाँ पे हम सेट करते हैं दिस स्क्रिप्ट। अब इसको एक बार चेक करके देखते हैं इट्स वर्किंग और नॉट। तो इसके लिए पहले हमें इस इफ कंडीशन को इस फॉरएवर ब्लॉक के अंदर सेट करना पड़ेगा। नाउ टेस्ट द, अभी इस गेम की स्प्रिट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही, इसके लिए हमें छोटा सा चेंज करना पड़ेगा। जैसे ही हमारा बॉल इस पैडल पे टच करता है तो हमें इसका डायरेक्शन चेंज करना होगा, बिकॉज हमने यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं किया तो इस वजह से वो दोनों को सेम कंडीशन में ले रहा है। तो मोशन ब्लॉक पे गए, यहाँ से हम इसका कंडीशंस, इसका डायरेक्शन, पॉइंट इन डायरेक्शंस ब्लॉक को लेके आते हैं और यहाँ पे स्टार्टिंग वाली कंडीशंस में सेट कर देते हैं। और यहाँ पे इसका जो एंगल है वो 45 डिग्री कर देते हैं। अब इसको हम चेक करके देखते हैं। नाउ इट्स वर्किंग। अब हमारा गेम बनके तैयार हो चुका है। नाउ लेट्स प्ले एंड टेस्ट द गेम। Oh.